गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम हामिद हुसैन एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल हामिद हुसैन ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास सिक्स की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। सो गाइस, वैसे तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की कमी से और थोड़ी सी कई बार क्या होता है कि सही से नहीं समझ पाने की वजह से ये चैप्टर काफ़ी टफ लगता है। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले क्या है, ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ क्या है, कहाँ से चीज़ें आई। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग को डेली यूजेज में कई तरह की डिज़ाइंस मिलती है। सो वहाँ से ये चीज़ें क्या है कि कई जगह पे कर्व होती हैं चीज़ें, कई जगह पे सर्कुलर होती हैं, कई जगह पे स्ट्रेट होती हैं। तो ये सब हम लोगों के बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज़। तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है फ्रॉम होती है वो पॉइंट से। पॉइंट क्या है, पॉइंट हुआ कि एक ऐसा डॉट जिसके पास ना कोई लेंथ हो ना कोई विड्थ हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट। फिर उसके बाद बनेगी आपको पॉइंट, पढ़ लिया हमने। पॉइंट के बाद क्या है कि कई पॉइंट के मिलने से क्या बनती है, लाइन। सो लाइन के पास क्या होगी, लेंथ होगी। जैसे दिस इज द लाइन, लाइन में हम लोगों ने जो चीज़ें देखनी है वो तीन तरह की होती हैं। एक होती है जो दोनों साइड से क्या होगी, एक्सटेंड कर सकती है, दैट इज कॉल्ड लाइन, दैट इज कॉल्ड लाइन। एंड सेकंड होती है जो एक साइड जिसका फिक्स हो और एक साइड से एक्सटेंड कर सकता हो, दैट इज कॉल्ड रे। एंड थर्ड होती है लाइन सेगमेंट, जिसकी बोथ एंड क्या हो, फिक्स होती है, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो गाइज, ये चीज़ थी लाइन के लिए, ठीक है। कि आई होप कि यू विल नेवर कन्फ्यूज अबाउट दिस, आप इस चीज़ में कभी कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे कि वाट इज़ लाइन, वाट इज़ रे एंड वाट इज़ लाइन सेगमेंट। सो गाइज, ये तीन चीज़ें थी। सो यही चीज़ है कि लाइन है, ओके। अब इसमें क्या, उसके रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो गाइज, याद रखेंगे हम लोग लाइन का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जैसे हमने ये ले लिया, दिस इज़ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सो वी विल रिप्रेजेंट लाइन एज दिस, दिस इज द लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन। इफ यू हैव टू रिप्रेजेंट रे, सो दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रे। एंड लाइन सेगमेंट, इफ दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी, सो वी विल रिप्रेजेंट एज इन दिस मैनर, ए बी लाइन सेगमेंट। ओके ओके गाइस, सो हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है कि वो लाइंस जो क्या करती है, एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो, कट कर रही हो, डेट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये कहलाती हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इज इट क्लियर। सो ऑब्वियसली दे विल कट एट एनी पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट लाइन होती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन क्या होती है कि दोज लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट, वो लाइंस क्या है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, दैट दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ओके, सो इफ देर आर टू लाइंस और दिस टाइप ऑफ लाइन विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट एनी पॉइंट, दैट विल कॉल्ड पैरेलल लाइन। ओके, नेक्स्ट जो गाइज इसमें है, अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज। सो फर्स्ट क्वेश्चन, यूज द फिगर टू नेम फाइव पॉइंट्स। इसमें फाइव पॉइंट्स को बताने हैं, तो कौन कौन से हो सकते हैं गाइज, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट ओ, पॉइंट ई एंड पॉइंट डी। नेक्स्ट बोला अ लाइन, किसी भी एक लाइन को बता देना है, तो लाइन ले लेते हैं हम लोग, इसके लिए ले लेंगे हम लोग डी बी लाइन, डी बी। देन बोला फोर रेज, फोर रेज के लिए हमने कंडीशन क्या दिया था, एक एंड इसका फिक्स होगा, दूसरा एंड क्या होगा, इन्फिनिट तक फ्री होगा, ठीक है। तो रे क्या हो सकता है, रे ओ सी, ओ बी, ओ बी इज ऑल्सो रे, ओ डी, ओ डी इज ऑल्सो रे, और ओ, ओके, ओ ई दैट इज ऑल्सो रे। ओके सर, दिस आर फोर रेज, फाइव लाइन सेगमेंट। सो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट लाइन सेगमेंट, सिंपल, ओ सी लाइन सेगमेंट, ओ बी। सो एक्चुअली क्या डिफरेंस क्या है इनके रिप्रेजेंटेशन में, ओके, ओ ई और डी ई, डी ई ऑल्सो अ लाइन सेगमेंट, और ओ डी, ओ डी इज ऑल्सो अ लाइन सेगमेंट।
so you can represent it. Okay guys, so next question, name the line given in all possible 12 ways choosing only two letters at a time for given. आपको क्या करना है एक्चुअली गाइज, ये पूरा चैप्टर इजी है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, समझ लीजिए कि आपको होमवर्क है. अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको जहाँ भी डाउट आएगा यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि गाइज हम लोग इसको शॉर्ट में वीडियोज़ को पूरा करेंगे, समझेंगे, ताकि गाइज क्या होगा कि हमारा कम से कम टाइम में हमारी वीडियो ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए गाइज. नेक्स्ट है कर्व. कर्व क्या होता है कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि लाइन को हम लोग ड्रॉ करते जा रहे हैं, यानी कि उसको किसी एक जगह पे फिक्स करने पर उसको हम लोग ड्रा करते हैं, तो डेट विल फॉर्म अ कर्व. सो कर्व जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, क्लोज कर्व एंड ओपन कर्व. ओपन कर्व वो होंगे जिनका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट वो अटैच नहीं होते, डेट विल कॉल्ड सिंपल ओपन कर्व. एंड जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वो दोनों क्या होगा, अटैच्ड होगा, ज्वाइंट होगा, डेट इज कॉल्ड क्लोज्ड कर्व. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज पॉलीगन. तो पॉलीगन ऑलवेज याद रखना गाइस कि पॉलीगन हमेशा जो भी होता है वो क्लोज्ड कर्व होता है, पॉलीगन कभी भी ओपन कर्व नहीं हो सकता. उसके बाद गाइस है एक्सरसाइज 4.2, ये इसी पे क्वेश्चंस हैं. उसके बाद आपको गाइस आता है एक्सरसाइज 4.3, ये भी सिंपल पॉलीगन्स में है. आपको ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल वो चीज़ होगी जो थ्री साइड्स के मिलने से बनती हैं, ट्रायंगल्स हो गए जिसमें गाइस क्या होगा थ्री साइड्स होंगे, तो डेट आर कॉल्ड ट्रायंगल्स एज ए बी सी. और ये जो पार्ट बनता है इसको बोलते हैं एंगल, जो हम लोगों ने पिछले क्लास फिफ्थ क्लास में या पिछले लोअर क्लास में भी पढ़ रखा है. उसके बाद गाइस आता है क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल ऐसा पॉलीगन है जिसमें फोर साइड्स होती हैं, ट्रायंगल ऐसा पॉलीगन था जिसमें थ्री साइड्स थी, क्वाड्रिलेटरल ऐसा पॉलीगन है जिसमें फोर साइड्स है, तो क्वाड्रिलेटरल हैज फोर साइड्स. ओके, सो इसके टाइप्स हो सकते हैं गाइस कौन कौन से, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, तो ये सब नेक्स्ट अगले हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. नेक्स्ट जो है सर्कल, तो सर्कल के लिए बहुत ही सिंपल गाइस, सिंपल ही मैंने आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या है. वन मिनट गाइस. सो देखो बच्चों, ये क्या है, एक हमने बना लिया सर्कल. सर्कल क्या होता है कि एक पॉइंट से ये इक्यू डिस्टेंस होता है. ओके, यहाँ से इक्यू डिस्टेंस होता है एंड डैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर. वो पॉइंट जो होता है वो सेंटर कहलाएगा, दैट इज सेंटर. एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड रेडियस. इसको क्या कहेंगे हम लोग, रेडियस. ओके गाइस, उसके बाद इस पेरिफेरी को बोलेंगे हम लोग सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस. उसके बाद गाइस देखिए क्या है, यहाँ तक आई होप कि यू हैव नोटेड डाउन. नेक्स्ट एक और हम लोग सर्कल बनाते हैं जिसमें और कुछ चीज़ें हम लोग चीज़ों को देखेंगे कि सर अगर हम लोगों को अगर कोई ऐसी लाइन जो इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है तो डैट इज़ कॉल्ड कॉर्ड, तो दिस इज कॉल्ड कॉर्ड. ओके, और यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ें हैं ये दिस विल कॉल्ड आर्क, इसको कहेंगे हम लोग आर्क. अगर यही कॉर्ड अगर सेंटर से पास करेगी देन इट विल कॉल्ड डायमीटर, ये क्या कहलाएगा, डायमीटर. सो हम लोगों ने गाइस अभी देखा था कि जो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जा रही थी डैट वाज द रेडियस. सो ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इक्वल है. इसका मतलब क्या हुआ कि डायमीटर जो होगा वो रेडियस का टू टाइम्स होगा. तो हम लोगों ने क्या और नया चीज़ क्या सीखा कि डायमीटर इक्वल्स टू टू रेडियस. और हम लोग अब इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेंगे गाइस. तो देखो क्या कह रहा है कि फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ द सर्कल. गिवन फिगर में सेंटर ऑफ द सर्कल कौन होगा, ओ.
थ्री रेडियस ओ ए ओ बी एंड ओ सी, रेडियस वाली ओ ए ओ बी एंड ओ सी। नेक्स्ट आ डायमीटर, तो डायमीटर दिस वन ए सी, ए सी इज द डायमीटर। आ कॉर्ड, ई डी इज द कॉर्ड। टू पॉइंट्स इन द इंटीरियर, दो पॉइंट जो इंटीरियर में हो, तो पॉइंट ओ एंड पॉइंट पी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, वो पॉइंट जो एक्सटीरियर में, तो पॉइंट क्यू। आ सेक्टर, तो देखिए गाइस इसमें एक चीज़ होता है, एक सेक्टर होता है, एक सेगमेंट होता है। तो हमें से याद रखना कि अगर आर को अगर हम लोग सेंटर से मिलाएंगे तो डैट इज़ कॉल्ड सेक्टर, अगर आर को हम लोग डायरेक्टली मिला देंगे स्ट्रेट लाइन से तो डैट इज कॉल्ड, तो फिर वो वहाँ से जिस एरिया को फॉर्मेशन करेगा डैट एरिया विल कॉल्ड सेगमेंट। और अगर हम लोग आर को अगर सेंटर के साथ मिलाएंगे तो जो एरिया बनेगा दिस इज कॉल्ड सेक्टर, एंड आर को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो दिस एरिया कॉल्ड सेगमेंट। तो दिस इज सेगमेंट एंड दिस इज कॉल्ड सेक्टर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू। ओके आई एम जस्ट रिमूविंग ऑल दिस थिंग्स। ओके गाइस नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इन एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल एल्सो अ कॉर्ड, यस डायमीटर हमेशा कॉर्ड होगी, क्यों कि कॉर्ड के लिए जो कंडीशन है वो क्या है कि इट शुड पासेस द सर्कल फ्रॉम टू पॉइंट्स, तो दो पॉइंट से जो पास करिए तो डायमीटर भी पास करती है, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्ड। इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डायमीटर, तो देख सकते हैं कि ई डी एक कॉर्ड है, इट इज ऑल्सो इट इज अ कॉर्ड बट इट इज नॉट अ डायमीटर। सो हम लोग कह सकते हैं नो, एवरी कॉर्ड कैन नॉट बी अ डायमीटर। नेक्स्ट ड्रा अ सर्कल एंड मार्क, अब हम लोग को क्या करना है कि एक पहले सर्कल ड्रा करना है, तो हमने एक सर्कल ड्रा कर दिया गाइस। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मार्क इट्स सेंटर, सेंटर को हमने मार्क कर लिया, रेडियस, रेडियस को हमने मार्क कर लिया, डायमीटर करेक्ट भी हम लोगों ने डायमीटर को भी कर लिया। आ सेक्टर, अभी हमने बताया सेक्टर के लिए क्या करना है गाइस, कुछ भी नहीं, एक आपको ड्रा करना है, एक करना था आर्क लेना था, आर्क लेके हम लोगों को उसको ज्वाइन कर देना था सेंटर के साथ, तो ये जो भी एरिया बनेगा डैट इज़ कॉल्ड आर्क, डैट इज़ कॉल्ड सेक्टर। एंड ए पॉइंट इन एक्सटर, एक पॉइंट एक्सटर्नल में लेना था, एन आर्क कोई भी एक आर्क ले सकते हैं आप लोग, यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट हमने ले लिया आर्क। ओके गाइस नेक्स्ट, से ट्रू और फॉल्स, टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट, सो हम लोग गाइस इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो गाइस हम लोगों को मालूम है एक चीज कि डायमीटर जब भी पास करेगी हमेशा सेंटर से पास करेगी, सो हमेशा ये ऑलवेज नेसेसरी होगा कि दो डायमीटर जो होगी हमेशा वो इंटरसेक्ट करेगी करेगी, यस ट्रू। नेक्स्ट द सेंटर इज ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, सो हमेशा जानते हैं कि सर्कल का सेंटर कहाँ पे होगा, इंटीरियर में, डैट इज ऑल्सो ट्रू। सो डैट्स इट, दिस वॉज द चैप्टर। इसमें गाइस हम लोगों ने क्या सीखा कि अ पॉइंट, पॉइंट के बारे में सीखा कि पॉइंट क्या है, पॉइंट डिटरमाइन लोकेशन, पॉइंट एक लोकेशन को डिटरमाइन करता है, इट इज़ इजीली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, इसको हमेशा जे और जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा, लाइन रे इन सब के बारे में पढ़ा, सिंपल कर्व, क्लोज कर्व के बारे में पढ़ा, एंगल, एंगल के बारे में पढ़ा। एंगल क्या है गाइस, कि अगर टू रे हैं तो इनके बीच का जो कॉमन स्पेस है ये वाला, दिस इज कॉल्ड एंगल। ओके ये हम लोगों पर ट्रायंगल देखा, क्वाड्रिलेटरल देखा, सर्कल। सो गाइस कि आई होप कवर ऑल द सिलेबस, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, यू आर ऑलवेज वेलकम। एंड इफ यू वांट टू टेक ऑनलाइन क्लासेस देन यू कैन टेक ऑनलाइन क्लासेस। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स।